उज्जैन संयुक्त संचालक द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए वीडियो से प्रदेश भर में मचा बवाल। प्रदेश भर में हो रहा विरोध प्रदर्शन संयुक्त संचालक प्रकोष्ठ भोपाल TNC के द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ भोपाल में कर्मचारियों की अनुपस्थिति का वीडियो बनाकर ऑफिशियल ग्रुप में DLF पर वायरल करने की घटना से प्रदेश भर में विरोध के स्वर मुखरित हो उठे। अधिकारियों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में उज्जैन स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय पर प्रांतीय ऑडिटर्स एसोसिएशन लोकल फंड ऑडिट मध्य प्रदेश के बैनर तले अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त संचालक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा वीडियो वायरल करके विभागीय गोपनीयता भंग की गई है, किंतु इनकी पदस्थापना में विभाग में विसंगतियां पैदा हो रही है और कार्यालय का वातावरण असामान्य होने के साथ कर्मचारी तनावग्रस्त रहते हुए स्वाभाविक रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इनके व्यवहार से नाराज अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है और संयुक्त संचालक को उनके मूल विभाग में भेजने और उनके स्थान पर विभागीय अधिकारी की पदस्थापना करने की मांग की गई है। उज्जैन कार्यालय पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि हमारे जो भोपाल में पदस्थ संचालक उन्होंने कल वहाँ पे ऑफिस में जाके वीडियो शूटिंग करी। वीडियो शूटिंग करने के बाद उन्हें ये कोशिश करी जाता नहीं कि यहाँ पे कोई भी कर्मचारी आया नहीं है, जबकि वहाँ पे दूसरे सेक्शन में ऑफिस में मौजूद थे कर्मचारी, उनकी शूटिंग नहीं करी। तो उन्होंने वो खाली शो करने खाली वाले कमरे को उन्होंने बताया, ठीक है। इसके विरोध में वो अगर अधिकारी हैं, सही अधिकारी होते तो एक्शन लेते, अगर कोई कर्मचारी नहीं आया तो आप हाई रजिस्टर में उनके क्लास लगा सकते हैं, प्रावधान है। तो वीडियो शूटिंग करके इस प्रकार की जो आप ऑफिस की छवि क्यों बिगाड़ना चाहते हैं, गोपनीयता भंग होती है। आप क्या बताना चाहते हैं वीडियो शूटिंग करके? इसको हमारे अधिकारी ने, वही उससे बड़े अधिकारी जो हमारे जो आपने अच्छा नहीं करा तो उनको भी क्या करने मैंने सही करा है। उनको उनसे भी उन्हें बदतमीज के लेवल में उसको वीडियो शूटिंग में जवाब दिया जा रहा है। आप लोगों द्वारा हम भी चाहते हैं कि इनको हमारे विभाग में लोकल फंड विभाग में इनको ट्रेजरी से इनको नियुक्त किया गया है। पिछले मुश्किल से 6 महीने पहले के बाद, 6 महीने भी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि आप इस गोली विभाग में इनको भेजा। अगर आपकी मांगे मंजूर नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? सर एक बात मैं कहना चाहूँगा बीच में, हमारे विभाग में किसी अन्य विभाग से अधिकारी डिपुटेशन पे आएगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सिवाय संचालक के, और संचालक भी आएगा तो उस शर्त पे कि यदि हमारे विभाग में अर्हतादायी अधिकारी नहीं होगा। तो ये पहले अधिकारी हैं जो इस विभाग में डेपुटेशन पे आए हैं। हम ये नहीं कहते कि ये जाति करते हैं या इनमें अकल नहीं है, इतना बड़ा अधिकारी है तो समझदार तो है। समस्या ये आ रही है कि ये ट्रेजरी में बैठ के काम करने के आदी हैं। हम बिल लेके जाते हैं, ये बिल को नापास कर देते हैं, फेल कर देते हैं, जाओ। हमारा जो काम है वो फील्ड में जाके करने का है। हम यहाँ से महितपुर जाके ऑडिट करते हैं, तराना जाके ऑडिट करते हैं, नीमच जाके ऑडिट करते हैं, नियम का पालन हम भी करवाते हैं, पर हम उदारता से करवाते हैं क्योंकि दूसरी जगह बैठे हुए हैं। हम यदि वहाँ सख्ती से काम करेंगे तो रोज़ जूते खा करके आएंगे। ये चाहते हैं कि सख्ती से काम करें, तो हमारी उदारता को ये लापरवाही समझ रहे हैं। अब मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी ये सब मांगे नहीं मानी जाती और वही रहती तो फिर आगे आप क्या कदम उठाएंगे? हम असहयोग आंदोलन करेंगे। हम इस एक अधिकारी के कक्ष में कोई भी कर्मचारी नहीं जाएगा, इनकी फाइलें नहीं उठा के लाएगा, इनका काम नहीं करेगा। आपका नाम बताइए। आगे विभाग के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।